Assalamu alaikum everyone, hope you all are doing very very well. So this is the first lesson of the Arabic calligraphy course. तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि कलम के साथ अरबी कैलीग्राफी कैसे होती है और कौन से जो मटेरियल्स हैं यूज होते हैं. सबसे पहले जो पेपर यूज होता है अरबी कैलीग्राफी के लिए, ये आर्ट पेपर होता है जिसको हम ग्लॉसी पेपर भी कहते हैं, ग्लॉसी शीट्स भी कहते हैं. ये आपको लोकल शॉप से भी मिल जाएगी और ऑनलाइन शॉप से भी इजीली मिल जाएगी. कैलीग्राफी सीखने के लिए जो बेस्ट टूल है वो है ये कलम. दूसरे टूल्स भी यूज हो सकते हैं जैसे कि कट मार्कर और पेन, पर जो कलम होता है ये बेस्ट होता है प्रैक्टिस के लिए और इनसे ही प्रोफेशनल कैलीग्राफीज भी होती हैं. बेसिकली ये वो कलम होते हैं जिनकी एक पूरा तरफ होता है जिसकी ड्राई स्टिक से ये कलम प्रिपेयर किए जाते हैं. उसके अलावा ये जो हमारी इंक यूज होती है ये स्पेशली ड्राइंग्स के लिए आती है, कैलीग्राफी के लिए आती है, और इसको हम ग्लॉसी शीट पर भी यूज कर सकते हैं और कैनवस पर भी यूज कर सकते हैं ब्रश के साथ. और इस इंक को यूज करने के लिए हम इस इंक पॉट की जरूरत होती है जिसपे हम कोई भी कॉटन और थ्रेड डालकर इंक को प्रिपेयर करते हैं. और इससे क्या होता है कि हमारी इंक जो होती है अगर हम कलम के साथ लिखेंगे तो इंक जो है पेपर पर फैलेगी नहीं ज्यादा. और दूसरी जो हम यूज करते हैं ये ओमेगा इंक है, इसको भी हम यूज कर सकते हैं, ये भी ऑनलाइन स्टोर्स पर इजीली मिल जाते हैं. अच्छा, तो उसके बाद हम अपनी कैलीग्राफी स्टार्ट करेंगे. उसके लिए हम एक कलम लेंगे, कोई सी भी साइज आप ले सकते हो, और ये अगर आप ऑनलाइन स्टोर से मंगवाओगे तो आपको प्रिपेयर्ड मिलेगा, आपको बनाना नहीं पड़ेगा. तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट प्रैक्टिस. सबसे पहले हम देखेंगे कि कलम को होल्ड कैसे करते हैं. बेसिकली जैसे हम पेन को होल्ड करते हैं वैसे हम कलम को होल्ड नहीं कर सकते क्योंकि पेन जो होती है उनकी जो नोक होती है वो ज़्यादा छोटी होती है और कलम की बड़ी होती है. तो इसलिए हम जो है कलम को होल्ड फर्स्ट फिंगर और अपने थंब से जो है होल्ड करते हैं. चले तो अब हम कितना स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम नुकात लगाएंगे जिसको इंग्लिश में डॉट कहते हैं. इन नुकात से ही हमारी जो अरबिक कैलीग्राफी है उसकी बिगिनिंग होती है. ऐसे ही हम जो है नुकात लगाते जाएंगे और कलम को यूज करते जाएंगे. नुकात के साथ साथ हम जो है लाइंस भी लगाते जाएंगे, 80 डिग्री की लाइंस लगाएंगे, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट ऐसे लगाते जाएंगे. इससे जो है हमारी जो है कलम की जो प्रैक्टिस है वो होती जाएगी, हमको जो है होल्ड करना अच्छे से आ जाएगा. इसके अलावा हम जो है जैसे लेफ्ट टू राइट लगाया वैसे ही हम अप टू डाउन भी लगाएंगे और जो हमारी डाउन जो स्ट्रोक है वो हम थेट में करते जाएंगे. ऐसे ही हम जो है लिखने की ट्राई करते जाएंगे और उसके साथ साथ हम अलिफ भी लिखने की ट्राई करेंगे, जैसे अप टू डाउन और डाउन टू अप ऐसे करते जाएंगे अलिफ लिखने की. जैसे अलिफ होता है अप टू डाउन आता है, और वैसे ही अगर हम लिखेंगे बालिफ तो हमारा जो अलिफ होता है वो डाउन से अप जाता है, नीचे से ऊपर जाता है वैसे. ऐसे जो है ना हमें प्रैक्टिस करते जाना है, कुछ भी लगना है, लाइंस लगानी है, डॉट लगाने हैं, कलम को पकड़ के सीधा सीधी पोजीशन में पकड़ के हमें लिखते जाना है जैसे बच्चे खेलते हैं पेन के साथ, वैसे ही हमें बस कुछ भी लिखते जाना है ऐसे. और इससे क्या होगा कि हमारा जो कलम है हमें होल्ड भी करना आ जाएगा और हमें हमारी अच्छी खासी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, लिखना भी आ जाएगा.